दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोलन के न्यू एपिसोड 245 के ट्रेलर को, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक जरूर देखना। यदि अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है प्लीज वीडियो को 1 लाख जरूर कर देना। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। हमारा ट्रेलर शुरू होते हैं हम सबसे पहले देखते हैं तैंगसन को, जहाँ पर तैंगसन डेविल गॉड टाइगर से फाइट करते हुए कहता है, ये डेविल गॉड टाइगर तो बहुत ही ज्यादा चालाक है और यह मेरी अटैक को सिचुएशन के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहा है और मैं जो भी अटैक करता हूँ उसे बहुत ही आसानी से कैलकुलेशन करते हुए आसानी से बच रहा है और मैंने सोचा था मैं इसे बहुत ही आसानी से हरा कर इसकी सोलन को अब्सॉर्ब कर दूंगा, लेकिन ये तो मेरी सोच से भी काफी ज्यादा पावरफुल है। इवन कि इसे हराना भी मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और जिसके साथ ही हम देखते हैं तैंगसन अपनी सीगो ट्रेन को वापस रख लेता है और अपनी हाउट एंड हैमर को बाहर निकालता है और निकालते ही उस पर एक ज्वाइंट हैमर से उसके ऊपर काउंटर अटैक करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा ग्लो होता है। जिसके साथ ही तैंगसन कहता है, आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, इवन कि मेरी हाउट एंड हैमर की ज्वाइंट अटैक से भी बच चुका है और इसके अटैक को भी बहुत ही आसानी से सप्रेस कर दिया है। इसमें कोई शक नहीं, यह एक टैलेंटेड कंट्रोलिंग टाइप के सोल मास्टर से कम नहीं है और इसकी पावर भी एक कंट्रोलिंग टाइप के सोल मास्टर की बराबर है। अगर ऐसा ही रहा तो मैं जरूर मारा जाऊंगा, इसलिए मैं इसको एक और दूसरा मौका नहीं दे सकता। और इतना कहते ही तैंगसन दोबारा से अपनी सी गॉड ट्राइडेंट को बाहर निकाल लेता है और उस पर काउंटर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और उसी के साथ ही सी गॉड ट्राइडेंट का यूनिक स्ट्रॉन्ग का यूज करता है, जिसे देखते ही वह टाइगर तुरंत ही अपने डोमेन को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से ट्राइडेंट का यूनिक स्ट्रॉन्ग वहीं पर ही गायब हो जाता है। जिसे देखकर तैंगसन नहीं रुकता, जल्दी से अपनी सी गॉड ट्राइडेंट का गोल्डन 13 हर्लबर्ड की सेकंड टेक्निक का यूज करता है और इस टेक्निक का इफेक्ट शुरू होते ही टाइगर का डोमेन वहीं पर ही खत्म हो जाता है और साथ ही इस टेक्निक में फंसकर टाइगर भी बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है। इतना ज्यादा घायल होने के बावजूद भी वह नहीं रुकता, सीधा तैंगसन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। दोस्तों ये कुछ नोवेल की स्टोरी है जिनको मैं यूज किया हूँ, जिसके साथ ही हम देखते हैं टाइगर एक बहुत जोरदार तरीके से दहाड़ता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक ब्लैक होल की पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ के पेड़ पौधे और सभी चीज उसके अंदर जाने लगती है और तैंगसन के चारों ओर अंधेरा हो जाता है। जिसे देखते ही तैंगसन बताता है, इस डेविल गॉड के जाल में मैं पूरी तरह से फंस चुका हूँ। और इसी के साथ ही हम देखते हैं तैंगसन एक अलग ही दुनिया में आ चुका होता है, जहाँ पर तैंगसन एक 6 साल के बच्चे में बदल गया होता है, इवन कि वो टाइगर भी एक बेबी टाइगर में बदल चुका होता है। दोस्तों मैं इसकी नॉवल को डिटेल में एक्सप्लेन करके एक और वीडियो बना दूंगा, अगर मैं ऐसा ही बताने लग गया तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा। और इसी के साथ ही हम आ जाते हैं कियान रिंगजीवे और बिबी डोंग की व्यू पर, जहाँ पर कियान रिंगजीवे बिबी डोंग से कहती है, सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारी एम्पायर इतना ज्यादा बिगड़ चुका है और तुम्हारी वजह से ही कितनी बेकसूर के लोगों की मौत हो गई है, अगर ऐसा ही रहा हमारी पूरी हुआन एम्पायर बर्बाद हो जाएगा। जिसके साथ ही आगे कियान रिंगजीवे बताते हैं, केवल मैं ही हुआन एम्पायर का लीडरशिप कर सकता हूँ और पूरे दो लोग कॉन्टिनेंट को रक्षा कर सकता हूँ और एक कर सकता हूँ। यह सुनकर बिबी डोंग उससे कहती है, अगर तो ऐसी बात है तो फिर आओ देखते हैं कौन आगे निकलता है, पहले तो तुम मुझे हरा कर तो देखा हो। जिस पर कियान रिंगजीवे उस पर गुस्से से कहते हैं, बिबी डोंग आई हेट यू, तुम मेरी माँ बनने के लायक भी नहीं हो और ना ही तुम मेरी माँ बन सकती हो। और इतना कहते कियान रिंगजीवे उस पर अपनी तलवार से अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, मगर उसी के साथ ही हम देखते हैं बिबी डोंग अपनी सेकंड मार्शल सोल को एक्टिवेट कर लेती है और कियान रिंगजीवे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। और इतना कहते आज का हमारा ट्रेलर यहीं पर कम्प्लीट हो जाता है। यदि अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मैं मिलता हूँ आप सभी को आने वाली वीडियो में।